हमारी मांग यही है कि हमारे यहाँ पर जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा, हमारे यहाँ पर करीब करीब 2500-3000 लोग जो हैं डेली वेजर हैं, वो बेचारे प्राइवेटाइजेशन के जब अभी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, वो डेली वेजर में कम से कम 10 साल से 5 साल से 8 साल से लगातार कंटिन्यू लग रहे हैं। वो जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो उन लोगों का जो नौकरी के ऊपर जो उनके ऊपर तलवार चलने वाली है, वो उस जग जाहिर है और सबको मालूम है कि प्राइवेट जब आदमी आएगा वो अपना प्रॉफिट कमाने के उसमें रहेगा और ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर लागू हो जाएगी। हमारा यही है कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए किसी भी तरीके से और जो हमारे भाई हैं उनको इसमें रेगुलर किया जाए। लेकिन विनोद जी, आप लंबे समय से निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से भी आपकी बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई रिजल्ट निकलता है? हमने सरकार के इस निजीकरण के लिए और ये डेली वेजर्स के लिए हमने कमीशन को भी लेटर लिखा, पत्र व्यवहार भी किया, हमने अपने मंत्रालय को भी और हमारे अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए। ये तो अभी रेगुलर नहीं हुए हैं और ये प्राइवेटाइजेशन होने से इनकी नौकरियों के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे SC ST शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनको तो भागीदारी मिलेगी ही नहीं रोजगार के अंदर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में, क्योंकि जो लाला लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, वो हमारे लोगों को तो किसी भी हालत में रखेंगे ही नहीं, इनको साइड लाइन दिखा दिया जाएगा, इनको वही अपने पुराने कार्य करने पड़ेंगे जो 1947 से पहले किए जाते थे। लेकिन सर, नौकरी किसको चाहिए? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी जी सबको। आपको मैं सही माने बोल दूं, यदि हम मनुस्मृति से भी चलें तो हर एक आदमी का काम बटा हुआ था, किसी को मिला होता रक्षा का काम करने के लिए मिला था, किसी को मंत्री का काम करने के लिए मिला था, किसी को अपना व्यापार चलाने का काम मिला था। हम SC ST को तो सेवा करने का काम मिला था, जितनी भी LIC है, बैंक है या जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें भी जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, वो तो किसके हैं, वो तो हमारे ही तो हैं वो, और उसमें से हमें निकाला जा रहा है, हमारा हिस्सा ही छीना जा रहा है। हम तो सेना में नहीं मांग रहे अपना हिस्सा, हम तो नहीं मांग रहे व्यापार में अपना, हम तो नहीं मांग रहे मंत्री में अपना हिस्सा, लेकिन जो मेरा अपना हिस्सा है, मेरे भाइयों का जो अपना हिस्सा है, कम से कम उससे तो हमें बाहर ना निकाला जाए किसी साजिश के तहत। सरकार कह रहे डिपार्टमेंट ये सारे नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता है, नुकसान में लाया जाता है। यदि वहाँ की उनको लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ये पहले भी डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, जब कोई प्राइवेट आदमी आ जाएगा वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी आ जाएगा वो आदमी, या कहीं और से लंदन से डिग्री लेकर आएगा, वो भी इन्हीं लोगों से काम लेगा और ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म बन जाएगी। सर, सरकार कह रही है कि अच्छी सर्विस देंगे, बेहतर ऑप्शन मिलेगा लोगों को, अवसर मिलेंगे, उसमें रोजगार बढ़ेगा जब निजीकरण होगा तो देश में। आज बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट क्षेत्र में जो उसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती, आप एक नंबर मिलाइए, वो बोलेंगे आप एक नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे दो नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे तीन नंबर डायल कीजिए, फिर बोलेंगे चार नंबर डायल कीजिए, उसके बाद लाइन कट हो जाएगी। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आदमी फेस टू फेस जाता है और अपना काम करवा के आ जाता है। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है उतना काम कोई नहीं करता है, सिर्फ बाकी लोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है वो दिखावा करते हैं। सरकारी कर्मचारी को हम भी देख रहे हैं, सबके सर के ऊपर आज की डेट में CCTV फुटेज लगे हुए हैं, CCTV फुटेज में सामने साफ नजर आता है कौन आदमी कितना काम कर रहा है और कितने समय तक वो बैठा है। लेकिन विनोद जी, आप तो सिस्टम के अंदर है, सरकार की मंशा क्या, आखिर क्यों निजीकरण इतनी तेजी से कर रही है? अब तो हाईवे भी गिर में रखने जा रही है सरकार का। जहां तक मेरा सोचना, सरकार को इस बात के हमारों को समझना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि निजीकरण से SC ST को ज्यादा इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, कि SC ST के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को बचाने के लिए, उनके बदन पर कपड़ा ढकने के लिए सरकार और प्राइवेटाइजेशन को रोकना ही पड़ेगा। क्या ऐसा, जो लोग पहले कहते कि रिजर्वेशन को ऐसा कर दो, रहे ना रहे उसका कोई मतलब ना बचे, उसी रास्ते पे चल लेके सर? हाँ, ये वही रास्ता है कि सरकार इसी रास्ते पे चल रही है कि रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन उसका असर नहीं रहेगा, वही हो रहा है। यस, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए हम सरकार से लड़ तो नहीं सकते, हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार से मांगे कर सकते हैं, ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से हम आज भी ज़मीन पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजीकरण को रोका जाए, निजीकरण को ना किया जाए। निजीकरण होने से हम लोगों को खास तौर पर SC ST मजदूर तबके को इसका असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर SC ST पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा तो गरीब SC ST पर ही पड़ेगा, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा चिंता है। लेकिन सर, पिछले 9.5 महीने से किसान बैठे हैं, निजीकरण के मामला उनका भी, 3 कानून जो हैं वो, सरकार ने उनकी बात तो सुनी नहीं, आपकी एक दिन में कैसे सुन लेगी सरकार? किसान की बात नहीं सुनी, किसान के मैटर के ऊपर मैं कमेंट करना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं जो SC ST के जो मुद्दा है, मैं उसके बारे में गंभीरता से बात करना चाहता हूँ और गंभीरता से उसके बारे में सोचता हूँ कि
ये दबा हुआ और कुचला हुआ ये समाज है, 5000 सालों से ये दबला और दुबला और कुचला परिवार रहा है, समाज रहा है। इसको दोबारा इसको इस रास्ते से भटकाया ना जाए, दोबारा इनको उस स्थिति में ना लाया जाए जहाँ पर ये 5000 साल पहले थे। विनोद जी, आपके तमाम संगठन है सरकारी कर्मचारियों के, क्या सब एक मंच पर आकर कोई नई रणनीति बना रहे हैं आगे? जितने भी हमारे संगठन है अपने अपने तरीके से, वो सरकार को भी लेटर लिख रहे हैं, कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, और हम भी ये चाहते हैं कि निजीकरण का रोका जाए। सर, आप कमीशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, कमीशन का कोई प्रभाव बचा है क्या देश में? कमीशन का जहाँ तक बात है, हम उसको लिखते हैं कि हमारे पास लास्ट अप्रोच वही रहती है, बाकी जो उनको करना है वो अपने लेवल पर वो करते हैं, पर हमारे लिए तो लास्ट अप्रोच वही रहती है। कहा जाता है कि कमीशन का तो कोई रोल बचा ही नहीं है। कमीशन में नुमाइंदे बैठे हैं, यदि वो नियत से सच्चे मन से काम करें तो उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहें तो कोई भी आदमी किसी भी जगह पर बैठा वो काम करेगा ही नहीं। 70% अनएजुकेटेड जनता है, और वो जो जिसको लोग इंडियन मीडिया बोलते हैं, जो आज जो है वो मोदी मीडिया है, उसी मीडिया को आज भी देश की ज्यादा जनता उसको मीडिया समझती है। और आप लोगों के जो मीडिया है, जो सही मायने में मेन स्ट्रीम मीडिया ये है, इसको वो आज भी ये समझती है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया हो चुकी है, लेकिन फिर भी फिल्म है, एंटी नंबर वन, हीरो नंबर वन, पुली नंबर वन, 11% और मीडिया कहती है हमारा पीएम नंबर वन। मैंने आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे जवाब में? देखिए, मैं उस मीडिया को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता जो मैनेज करके आगे आता है। ये जो नंबर वन की जो आप बात करें, वो मैनेज करके आगे आए हैं। बहुत सारी जनसंख्या जो है उसको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, क्योंकि वो ईपीएम से बना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ऑनेस्टली अगर वो काम करे तो ईपीएम को हटा के और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए, हम मानेंगे उसको। बात करते हैं कि विदेशी चीजों को बहिष्कार करें, ये आप सब लोग हैं, खुद ही पीएम मोदी साहब ने और बीजेपी ने सबने कहा कि विदेशी चीज हटाइए, तो ईवीएम जो है विदेशी है, इंडिया का डेवलपमेंट तो नहीं है ना, तो इसे क्यों नहीं हटा रहे हैं आप लोग? और जिस विदेशी बात करें, विदेशी से आप हथियार मंगा रहे हैं, विदेशी से आप विमान मंगा रहे, विदेशी से क्या क्या मंगवा रहे हो, तो क्यों मंगवा रहे हो? जनता को गुमराह करने का तरीका है। मेक इन इंडिया, क्या है मेक इन इंडिया? आज तक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? जब जब सब चीजें बाहर से आप मंगा रहे हैं, मेक इन इंडिया हो गया फेक इन इंडिया, या डेफिनेटली मेक इन इंडिया का मतलब क्या होगा? घर पे सब कुछ बनना, जब राफेल भी बाहर से मंगाई जा रही है, अपना एरोप्लेन बाहर से मंगा रहे हैं आप जो ईवीएम जो सबसे बड़ी देश की बंद हो चुकी विदेशों में, उसको भी आप बाहर से मंगा रहे हो, तो मेक इन इंडिया कहाँ से हुआ? अगर आप पढ़े लिखे हैं यार, आप वाले वास्तव में एजुकेटेड है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ बेसिकली, और हम रिसर्च भी करते हैं। मेक इन इंडिया मतलब होता है जो आप खुद अपने घर में पैदा करें, खाएं, बनाएं, उसे कहते हैं मेक इन इंडिया। लेकिन आप बाहर से मंगा के घर में ठप्पा लगा के कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो ये मेक इन इंडिया फेक इंडिया, और आप देश को, देश जनता को बेवकूफ महान बेवकूफ बना रहे हैं मेक इन इंडिया के नाम से। अभी हाल ही में देखिए, आप फोर्ड का आप देख रहे हैं, न्यूज में सब कुछ दिखाया जा रहा है, फोर्ड कंपनी यहाँ इसका मैन्युफैक्चरर हो रहा था चेन्नई में, वो बंद कर दिया, कई हजार करोड़ का घाटा हुआ फोर्ड को। जनरल मोटर यहाँ से अपना सामान समेट के चला गया, हार्ले डेविडसन यहाँ से चला गया, तो मेक इन इंडिया कहाँ है? कितनी तो दिखा रही है कि रतन टाटा के डर से निकल भाग गए। रतन टाटा का डर, रतन टाटा का डर तब नहीं था जब मोदी ने उनको इन्वाइट किया था, जब इतना बड़ा उसने प्लांट लगाया तब टाटा का डर नहीं था, किसी का कोई डर नहीं है। देश इतना बड़ा डर है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आके अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। मोदी सरकार जानबूझ के लोगों को बेरोजगार करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज करती आ रही है। 70% हिस्सा उसके पास है।